नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नो बूटेबल डिवाइस अवेलेबल या फिर सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस, ऐसे ही जब आपको एरर आ जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती है, इसकी वजह से आपको एरर शो हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ दो तीन रीज़न के कारण आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे बूट नहीं होती है। पहला रीज़न हो सकता है आपके बायस में सेटिंग चेंज हो गई है। दूसरा रीज़न हो सकता है आपके हार्ड डिस्क के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गया है। और तीसरा, आपकी हार्ड डिस्क अगर ख़राब हो गई है। ठीक है, तो हम एक एक करके हम तीनों प्रॉब्लम देखेंगे। तो हम अभी पहले रीज़न को देखते हैं। ठीक है, बायस में जाते हैं। अभी बायस में जाने के लिए आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दीजिए। वैसे आप कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट डिलीट की प्रेस करके भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बायस में जाने के लिए बायस की प्रेस करिए। अभी मेरा यहाँ पे डेल का मदरबोर्ड है, तो मुझे यहाँ पे F2 प्रेस करना पड़ेगा। आपका मदरबोर्ड कौन सा है देख लीजिए और बायस में जाने के लिए वो की प्रेस कर लीजिए। तो बायस में आने के बाद यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क आपकी डिटेक्ट हो गई कि नहीं, यहाँ पे वो देखना है। उसके लिए हमें अभी यहाँ पे कीबोर्ड में से एरो की मदद से यहाँ पे मेनू सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें अभी जाना है मेन में। उसके बाद यहाँ पे डाउन एरो की यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं और साटा 0 यहाँ पे आ गया है हार्ड डिस्क, इसको एंटर करते हैं। तो ये हमारे हार्ड डिस्क यहाँ पे डिटेक्ट हो गई है। ठीक है, 320 GB की हार्ड डिस्क है। हो सकता है यहाँ पे आपको ऑप्शन एडवांस में मिलेगा, ठीक है, या फिर बूट में मिलेगा। यहाँ पे हार्ड डिस्क आपकी शो हो गई कि नहीं, आपके मदरबोर्ड के मेक मॉडल अनुसार ये ऑप्शन आपको दिया हो जाता है। ठीक है, तो हमारे हार्ड डिस्क यहाँ पे डिटेक्ट है, फिर भी हमें वो एरर आ रहा है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बूट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसको हम अभी स्कैप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरो की मदद से यहाँ पे बूट ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बूट यहाँ पे हमारा डिसेबल हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे साटा हार्ड डिस्क आपकी जो साटा है या फिर SSD है, ठीक है, यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट बूट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड बूट भी चूज़ कर सकते हैं, थर्ड बूट भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी फिलहाल यहाँ पे साटा बूट करते हैं, हमें हार्ड डिस्क यहाँ पे बूट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सेटिंग सेव करने के लिए यहाँ पे F10 के प्रेस करना है। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो आपकी यहाँ पे हार्ड डिस्क बूट हो गई है। ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अगर आपको हार्ड डिस्क बायस में शो नहीं हो रही है, तो हमें अभी CPU में एक कनेक्शन देखना होगा हार्ड डिस्क का। ठीक है, इसके लिए हम अभी कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। तो हमने अभी CPU को ओपन कर लिया है। ये हमारी हार्ड डिस्क है और ये पावर केबल है और ये साटा केबल है। ठीक है, हमें अब इसको रिकनेक्शन करते हैं। वापस एक बार केबल को निकाल के वापस लगाते हैं उसको। अगर यहाँ पे डस्ट वगैरह आ जाता है पावर केबल में या फिर साटा केबल में, तो इसके वजह से भी यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क बूट नहीं होती है। ठीक है, इसको हम वापस रिकनेक्शन करते हैं। यहाँ पे बोर्ड में भी वापस रिकनेक्शन कर दीजिए। और फिर एक बार कंप्यूटर को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो एक बार पावर केबल आपको चेंज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर को स्टार्ट कर दीजिए। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो एक बार साटा केबल को चेंज करके देख लीजिए। ठीक है, अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। आप यहाँ पे हार्ड डिस्क चेंज कर दीजिए, आपका बूट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरह आप अपने बूट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।